लोकसभा चुनाव 2024 आज आ सकती है भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। देर रात तक चला है उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएल संतोष, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा सहित सीसी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, एमपी सीएम मोहन यादव, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, वसुंधरा राजे सहित बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए गए विभिन्न राज्यों के प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी, प्रदेश कोर कमेटी के महत्वपूर्ण नेता भी इस बैठक का हिस्सा बने थे। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान के लिए पहली सूची कभी भी आ सकती है और आज की संभावना सबसे अधिक बताई जा रही है। कल सीसी की बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, अध्यक्षता उन्होंने की थी। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा चुनाव के प्रभारी और कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। आपको जानकारी देते हैं कि राजस्थान में इससे पहले भी प्रदेश कोर कमेटी की 3 बार बैठक हो चुकी है। जब तीसरी बैठक हुई थी तो फिर प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल तैयार हुआ था। दिल्ली में हुई भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बैठक में लोकसभा के नामों को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। राजस्थान को लेकर महामंथन हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया सहित दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि पहली सूची 10 से 12 नामों की होगी। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर को लेकर के बताया जा रहा है कि 2 से 3 नामों का जो पैनल तैयार था उसमें लगभग सहमति से अब बनी थी। राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया के नामों का भी जिक्र हो रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था दोनों नेताओं को, लेकिन चूंकि पार्टी में उनका योगदान देखते हुए पार्टी हो सकता है कि एक बार फिर उन्हें मौका दे और उन पर दाव चले, क्योंकि कई बार के विधायक हैं सतीश पूनिया भी और राजेंद्र राठौर 7 बार के विधायक, और उसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष पहले बने, फिर नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा भी उन्होंने संभाला, पूर्ववर्ती सरकार को सदन में घेरने का कार्य किया था और यही उम्मीद की जा रही है। वहीं कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें एक बार फिर उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा, भरोसेमंद नेता के तौर पर, चाहे सीपी जोशी का जिक्र हो चित्तौड़गढ़ से, क्योंकि उन्हें पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष की बागडोर सौंपी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर आए थे रैली करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले, तो फिर सीपी जोशी खासतौर पर जब जयपुर में वो रैली निकाल रहे थे तो उस दौरान रोड शो में सीपी जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही खड़े थे, जिसमें उनके अलावा और कोई नहीं था। तो फिर उसकी चर्चा भी है कि हो सकता है उन्हें चित्तौड़गढ़ से फिर मैदान में उतारा जाए। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से उतारे जा सकते हैं। पीपी चौधरी के नाम का भी जिक्र है, कैलाश चौधरी के नाम का। राजस्थान को लेकर के महामंथन चल रहा है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि फरवरी के अंतिम दिन लीप ईयर की वजह से, एक दिन जो जुड़ा साल 29 फरवरी को पहली सूची आ सकती है, लेकिन कल चूंकि देर रात तक उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चला है तो ऐसे में अब उम्मीद है कि आज वो सूची सामने आ सकती है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी को लेना है, लेकिन क्या फॉर्मूला रहता है पार्टी का उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को लेकर, क्योंकि जीत का लक्ष्य तो तय है, 400 के पार की नारे की गूंज है। राजस्थान के लिहाज से 25 की 25 सीटें, बीते चुनावों की तरह इस बार भी कब्जा जमाने पर बीजेपी की निगाहें रहेगी और जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए ये सूची आएगी। लेकिन ये भी जानकारी है कि इस बार हो सकता है जब पूरी 25 नामों की सूची पर तस्वीर साफ हो जाए तो
15 नए चेहरों को पार्टी मैदान में उतार सकती है, यानी कि प्रयास भी किए जाएंगे।